राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत स्थित सीपीए इंडिया रीजन के इस सम्मेलन में आज हमारे बीच में राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत जी, सीपीए के चेयरपर्सन इयान डिडेल ग्रेंजर जी, राज्यसभा में उपसभापति डॉक्टर हरवंश जी, राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष माननीय सीपी जोशी जी, राजस्थान विधानसभा के प्रतिपक्ष के नेता माननीय राजेंद्र राठौड़ जी, सीपीए के सेक्रेटरी जनरल स्टीफन ट्विट जी, लोकसभा के जनरल सेक्रेटरी उत्पल कुमार सिंह जी, राज्य विधानसभा के सेक्रेटरी महावीर प्रसाद जी, देश भर से आए सभी पीठासीन अधिकारीगण, सभापतिगण, उपसभापतिगण, राजस्थान मंत्रिमंडल के माननीय सदस्यगण, विधायकगण, उपस्थित भाइयों बहनों, मैं सीपीए रीजन भारत के इस नवे सम्मेलन में आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मेवाड़ की यह धरती वीरता शौर्य पराक्रम की धरती रही है। संघर्ष की एक लंबी यात्रा की धरती रही है, जिसका गौरवशाली इतिहास केवल भारत में नहीं दुनिया में प्रेरणा देता है। ये धरती आध्यात्मिक की धरती है, ये धरती समर्पण की धरती है, और इसलिए राजस्थान के इस मेवाड़ का महत्व संपूर्ण देश के अंदर है। आज आप सबका सौभाग्य है कि अलग अलग राज्यों से आए हमारे पीठासीन अधिकारी इस वीरता और शौर्य की धरती पर दो दिन तक विभिन्न विषयों पर मंथन करेंगे, चर्चा करेंगे, संवाद करेंगे और अपने अपने अनुभवों और विचारों को साझा करते हुए हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं को जनता के प्रति और जवाबदेही और इस लोकतांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से हम किस तरीके से सामाजिक आर्थिक परिवर्तन करते हुए देश और राज्य में नया परिवर्तन कर सकते हैं। साथियों, 1911 में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का गठन हुआ था और उस समय राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के अंदर 57 देशों ने मिलकर इसका गठन किया और इसका उद्देश्य था कि लोकतांत्रिक संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण और किस तरीके से हम सुशासन लाकर एक लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करें और जनता को सशक्तिकरण, और इसीलिए सीपीए मंडल उसके बाद लगातार संसदीय परंपराओं प्रथाओं को आपस में साझा करता है और अपने अपने नागरिकों के हित अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए वहां पर संप्रभुता को कायम रखते हुए उस जनता के सामाजिक आर्थिक कल्याण के लिए प्रतिबद्ध होकर काम करता है। साथियों, दुनिया के अंदर भारत का लोकतंत्र आजादी के बाद का लोकतंत्र नहीं, भारत का लोकतंत्र एक प्राचीनतर लोकतंत्र है।
यहां लोकतंत्र की परंपराएं रही हैं, परपाटियां रही है, यहां सभा हो, समिति हो, अलग अलग राज्यों के समय भी अलग अलग लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था हुआ करती थी। और इसलिए हमें गर्व है कि आज दुनिया के अंदर हम सबसे बड़े आबादी वाले देश हैं, हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हैं, डेमोग्राफी के अंदर और डाइवर्सिटी के अंदर भी भारत का दुनिया में एक विशेष स्थान है। और इसीलिए इस समय हमारी जिम्मेदारी ज्यादा बन जाती है कि हम लोकतांत्रिक देशों के अंदर एक सकारात्मक संदेश दे सके, और सकारात्मक संदेश देने के लिए हमें हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं को सशक्त करना पड़ेगा, मजबूत करना पड़ेगा, जनता के प्रति जवाबदेह बनाना होगा, अच्छी परंपराएं, अच्छी परपाटी, अच्छे नियम बनाने होंगे, ताकि हम कह सकें कि हम लोकतंत्र में दुनिया के बड़े देश नहीं हैं, हम दुनिया के लिए लोकतंत्र के मार्गदर्शक हैं। और इसीलिए पीठासीन अधिकारियों की विशेष जिम्मेदारी होती है कि हम अपने अपने सदनों को किस तरीके से चलाना चाहते हैं। अभी हमारे पूर्व वक्ताओं ने कई विषयों को अलग अलग ढंग से रखा है, और उस ढंग के रखने के साथ साथ हमने देखा कि इस 75 वर्ष की लोकतंत्र की यात्रा के अंदर जनता भी सजग हुई है, और जनता सजग होने के साथ साथ उनकी अपेक्षाएं आकांक्षा भी बढ़ी है। और इसीलिए इन अपेक्षा आकांक्षाओं को हम कैसे पूरी कर सकते हैं, यह हमारे लिए चुनौती है। और इसीलिए बदलते परिप्रेक्ष्य के अंदर एक टेक्नोलॉजी का उपयोग कर डिजिटल का उपयोग कर हम किस तरीके से पारदर्शी व्यवस्था लागू कर सकते हैं। और इसीलिए भारत के प्रधानमंत्री जी ने स्पीकर कॉन्फ्रेंस में कहा था कि वन नेशन वन विधाई, वन नेशन वन लेजिस्लेटिव के बारे में उनका कहना था कि देश की सारी लोकतांत्रिक संस्थाएं एक प्लेटफॉर्म पर है, और जब सारी संस्थाएं एक प्लेटफॉर्म पर रहेगी तो देश की जनता को हर राज्य विधानमंडलों की जानकारी, केंद्र विधानमंडल की कार्रवाई, उनके नियम प्रक्रियाओं में होने वाले परिवर्तन की जानकारी, और उनके सदनों में होने वाली चर्चाओं मुद्दों की जानकारी, उनके सदनों में होने वाले बजट की जानकारी, और उनके सदन में होने वाले नियम प्रक्रियाओं के साथ विधान बनने की जानकारी। हम लोकतांत्रिक संस्थाओं को तब मजबूत कर पाएंगे जब उसमें जनता की सक्रिय भागीदारी हो, और जनता की सक्रिय भागीदारी के लिए डिजिटल का उपयोग भी सबसे महत्वपूर्ण है। आज मुझे खुशी है कि भारत डिजिटल के युग में सबसे अग्रिम पंक्ति का देश है। इतना बड़ा देश होने के बाद भी प्रधानमंत्री जी का एक विजन था कि हर गांव ढाणी के अंदर फाइबर केबल के माध्यम से और अन्य माध्यम से दूर दराज के गांव के व्यक्ति को भी डिजिटल का उपयोग कर सके, आईटी का उपयोग कर सके। और इसीलिए दूर दराज के गांव में बैठा व्यक्ति भी जब विधानमंडल की और केंद्र विधानमंडल की कार्रवाइयों को देखेगा, उनकी डिबेट को देखेगा, उनकी चर्चाओं को देखेगा, तो उसकी भागीदारी बढ़ेगी।
और जब भागीदारी बढ़ेगी तो जो जनता ने चुनकर जो जनप्रतिनिधि भेजा है, जो उसकी अपेक्षाएं आकांक्षाएं अभाव कठिनाइयों को वहां व्यक्त करने के लिए भेजा है, उसकी गतिविधियों की जानकारी भी उसको ठीक से होगी। और इसीलिए जो हम सबके चिंता का विषय में सा रहता है कि लगातार सदन में गरिमा घटती जा रही है, चर्चा संवाद का स्तर गिरता जा रहा है, कानून बनते हुए भागीदारी कम होती जा रही है, वह डिजिटल के माध्यम से हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि जनता की सक्रिय भागीदारी इन लोकतांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से बढ़े, हर मतदाता को अपने जनप्रतिनिधि के विधानमंडल में भागीदारी की जानकारी हो, उसके लिए बनाए गए नियमों के अंदर क्या परिवर्तन हो उसकी जानकारी हो, और इसके लिए हमें अपने अपने विधानमंडल में डिजिटल आईटी के उपयोग को बढ़ाने की आवश्यकता है। मुझे खुशी है कि भारत के अंदर अधिकतम विधानसभाओं ने अपनी विधानसभाओं को पेपरलेस करने की के लिए कदम बढ़ाए और कई विधानसभाएं अब पेपरलेस हो चुकी है, और इसलिए एक प्लेटफॉर्म पर जो उठाए गए प्रश्न उनके जवाब, सीपी जोशी साहब कह रहे थे कि आईटी के बाद कहीं ना कहीं आईटी का उपयोग करते समय जो आरटीआई लगाने वाले लोग हैं उनको अगर विधानसभा मंडलों से ज्यादा जानकारी मिल जाए तो हमारे लिए चिंता का विषय है, और इसीलिए सूचनाओं के त्वरित गति से आदान प्रदान, हर देश का व्यक्ति संसद में उठाए गए प्रश्नों, संसद में उठाए गए मुद्दों, संसद में कानून पर हुई चर्चा, राज्य विधानमंडल में उठाए गए प्रश्न, चर्चा मुद्दे, नियम प्रक्रियाओं परिवर्तन, बजट का आकलन डिजिटल पर एक प्लेटफॉर्म पर कर सके, और इसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, उसके बेहतर परिणाम भी आए, कई संस्थाएं इस प्लेटफॉर्म पर आई है, मुझे आशा है कि आने वाले समय के अंदर हम बहुत शीघ्र ही वन नेशन वन रजिस्ट्रेटिव प्लेटफॉर्म पर दे पाएंगे और जनता की भागीदारी को और बढ़ा पाएंगे। मेरा मानना है कि इन संस्थाओं को अगर जवाबदेही बनाना है, माननीय जनप्रतिनिधियों के आचार विचार व्यवहार को, राठौड़ साहब ने कहा कि एक बच्चे ने पूछा हम नारे लगा रहे थे, ये उस प्रदेश के निर्वाचन मंडल को जो चुनकर भेजने वाले लोग हैं, हम सदन के अंदर गतिरोधों को व्यवधानों को कब कम पकाएंगे, जब वहां का मतदाता ऐसे गतिरोधों को ऐसे व्यवधानों को ऐसे नारेबाजी को ऐसे असंसदीय व्यवहारों को अपने जनप्रतिनिधि से सवाल करने लगेगा, जब हम इन सदनों के गिरते हुए आचरण विहार पर रोक लगा पाएंगे, जब जनप्रतिनिधि उससे सवाल करने लगे, और वह पहुंचने के लिए मुझे खुशी है कि हर विधानसभा ने अपनी कार्रवाई को लाइव किया है, अलग अलग साधनों से लाइव किया है, और अधिकतम विधानसभाएं डिजिटल पर आ गई है, बाकी और विधानसभा प्रयास कर रही है, हम भी उसके लिए केंद्रीय विधानमंडल होने के नाते हमारा ज्यादा दायित्व बन जाता है कि हम उनको टेक्नोलॉजी में सहयोग करें ताकि वो टेक्नोलॉजी का बेहतर उपयोग कर सके। दूसरा विषय लोकतांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से
सुदृढ़ राष्ट्र बनाना। हमने इस 75 वर्ष की लोकतंत्र की यात्रा के अंदर इन्हीं संसदीय संस्थाओं के माध्यम से विचार विमर्श, सहमति असहमति, मुद्दों पर चर्चा करना और डिबेट के माध्यम से ही हमने आर्थिक सामाजिक परिवर्तन का युग शुरू किया था। और आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि 75 वर्ष की यात्रा में इसी संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था से हमने इस देश के अंदर आम जनता के सामाजिक आर्थिक परिवर्तन किया। हमने उसकी आवाज की, उसकी समस्या, उसकी कठिनाई, उसके अभावों को इन शब्दों के माध्यम से एड्रेस करके समस्याओं का समाधान किया है। समाज का अंतिम व्यक्ति, बैठा हुआ व्यक्ति भी अपने अभाव, अपनी कठिनाइयों को बताकर जनप्रति उसकी बात को करे। आवश्यकता है कि सदन में उठने वाले विषय और मुद्दों को भी सरकार सकारात्मक रूप से ले। मेरा मानना है किसी भी राज्य या केंद्र की सरकार को, ये विधानमंडल है जो पूरे राज्य के विकास के ढांचे को, वहां के अभाव के, वहां की कठिनाइयों को, वहां अगर गवर्नेंस फेल हो रही हो तो उसके बारे में, हर इलाके की कठिनाई अभाव अगर एक प्लेटफार्म पर कोई सरकार देख सकती है तो ये विधानमंडली है जहां पर देख सकती है। और सरकार इसको अगर सकारात्मक रूप से लेके किसी विषय, किसी प्रतिनिधि के मुद्दा उठाए तो क्यों उठाया, ये राजनीतिक आधार का मुद्दा तो नहीं। राजनीतिक आधार का मुद्दा हो तो उसका विश्लेषण कर ले। अगर वो राजनीति आधार का मुद्दा ना होकर वो वास्तविक समस्याएं, वास्तविक कठिनाइयां, वास्तविक अभाव है जो इस ब्यूरोक्रेसी सिस्टम से हमारे तक नहीं पहुंच पाई है, तो डेमोक्रेटिक सिस्टम है जो सरकार तक पहुंचाने का काम करेगा। और सरकार अगर सकारात्मक रूप से काम करेगी तो सरकार भी जनता के प्रति जवाबदेह होगी और ये संस्थाएं और मजबूत होगी और ताकत होगी। और मुझे पता है कि एक समय हुआ करता था कि राज्य विधानमंडलों के अंदर कोई विषय उठता था, केंद्र विधानमंडल उठाता तो सरकार गंभीरता से चर्चा करती थी और ब्यूरोक्रेसी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठता था तो उस पर पूरी रिपोर्टिंग होती थी। लेकिन हम कई बार उसको पक्ष विपक्ष के विषय को मान लेते हैं, जो मेरा मानना है कि लोकतंत्र में उचित नहीं है। सहमति असहमति, पक्ष विपक्ष, ये हमारे लोकतंत्र की ताकत है और इस ताकत को सशक्त करने की आवश्यकता है। हमारी जहां असहमति हो असहमति व्यक्त करना चाहिए, लेकिन जहां सकारात्मक सवाल हो, सकारात्मक मुद्दे हो, वहां सकारात्मक सोच के साथ सदन एक साथ मिलकर बात करे, कुन विषयों पर एक साथ बात करे कि हमारे राज्य और देश के सकारात्मक मुद्दे हैं, उनको हम बैठकर कैसे हल कर सकते हैं, अलग अलग लोगों के, अलग अलग राज्यों के, अलग अलग विविधताओं के, अलग अलग क्षेत्रों के विचार जब आएंगे तो एक सकारात्मक संदेश जाएगा। इसीलिए तो कहते हैं कि भारत में जितनी डाइवर्सिटी है उतनी हमारी ताकत लोकतंत्र में है, क्योंकि अलग अलग राज्यों के अलग अलग भाषा है, बोली है, वेशभूषा है, वहां की परिस्थितियां हैं। राज्यों के अंदर भी हर जिले के, हर संभाग के अलग अलग स्थितियां हैं, बोली, भाषा, वेशभूषा, भौगोलिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, वहां की विकास की स्थिति अलग अलग है। उन सारी परिस्थितियों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए विधायी संस्थाएं काम करती है। मुझे आशा है हम सब मिलकर सामूहिकता के साथ काम करेंगे तो हमने 75 वर्ष की लोकतंत्र की यात्रा में इस भारत के अंदर लोकतंत्र को सशक्त किया है और इन संस्थाओं को सशक्त किया है। आने वाला 25 साल हम सबके लिए महत्वपूर्ण है और इस 25 साल के अंदर हम इन लोकतांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से एक ऐसा रोडमैप बनाएं, इन संस्थाओं को इतनी सशक्त मजबूत बनाएं ताकि हम जब आजादी के हमारे 100 साल हो तो दुनिया के अंदर डेमोक्रेसी के अंदर भी हम मार्गदर्शन की भूमिका हो सके और नेतृत्व की दृष्टि के अंदर भी हर सेक्टर के अंदर भारत अग्रणी हो सके। ये ताकत हमें बनाने की आवश्यकता है, ये ताकत हमारी और है
लेकिन हमारी जिम्मेदारी और ज्यादा है। इसलिए मेरा पीठासीन अधिकारियों से आग्रह है कि हम राजनीतिक दल से चुनकर आते हैं, लेकिन जब आसन पर बैठते हैं तो निष्पक्षता और निर्वाध हमारी छवि होनी चाहिए। जनता हमें देखती है तो हमें फैसले लेते समय, निर्णय लेते समय, चर्चा करते समय हमें कहीं ना कहीं निष्पक्ष भूमिका होनी चाहिए, निर्वाध भूमिका भी होनी चाहिए, ताकि इस आसन का सम्मान रहे। और इसी के साथ मैं पुनः आप सबको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि दोनों मुद्दों पर आप दो दिन तक गंभीर रूप से चर्चा करेंगे, और विशेष रूप से मैं राज्य के मुख्यमंत्री जी को और सीपी जोशी जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस सम्मेलन को उदयपुर में आयोजित किया, क्योंकि सीपी जोशी साहब का ये अपना मेवाड़ राजनीतिक क्षेत्र रहा है, सामाजिक क्षेत्र रहा है, छात्र जीवन रहा है, और इसलिए उनकी इच्छा थी कि ये सेमिनार मेवाड़ की धरती से होना चाहिए। और राजस्थान मेरा भी कार्य क्षेत्र रहा है, मुझे आशा है कि इस राजस्थान की धरती से एक नया संदेश लेकर, एक सकारात्मक दिशा लेकर हम सब पीठासीन अधिकारी जाएंगे और हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं को और सशक्त करेंगे और जवाबदेह बनाएंगे, ताकि शासन में पारदर्शिता आ सके और प्रशासन में जवाबदेह आ सके। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।